रिवर राफ्टिंग का मजा खत्म होते ही एक सजा मिल गई अपने को। सजा इस टाइप में मिली कि मिस्टर रोनी ने अपनी बाइक की चाबी नदी में ही गिरा दी। उसके बाद में अपने को क्या ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा। और फिर उसके बाद में अपन चेत दादा से मिले, जो बहुत ही स्वीट पर्सन है। उन्होंने अपने को इस तरह से होस्ट किया कि अपने को लगा ही नहीं कि अपन किसी के घर पे मेहमान बन के बैठे हुए हैं। तो मिलते हैं चेत दादा से ही, मिलते हैं, उनका इंटरव्यू है। ट्रेजेडी होगी भैया, हमारे साथ एक मॉडल भैया थे। हाँ हाँ, वो मतलब रील लाइफ में तो इतने एक्टिव है ना, कि मतलब वो भारी एडिटर है वो, मतलब इंस्टा उनके खानदान से पूछते नहीं धंधा है उनका, इतने मैच्योर है और इतने परफेक्ट है उस चीज में। लेकिन जो रियल लाइफ है ना, उसमें नील बेटा सन्नाटा है वो, उनको कुछ नॉलेज नहीं है अपनी गाड़ी की, मतलब अपनी गाड़ी की अगर ग्रुप की गाड़ी की देते ना भैया, लिटरली सारों को पैदल चलो। तो कैसे है आप लोग? अभी मैं ऑफिस आया हुआ था, फिर मेरे को याद आया कि अपन ने लद्दाख खरीद कर बीच में छोड़ दिया था। कोई निजी कारण थे उसके, इसलिए उसको छोड़ दिया अपन ने। उसके बाद में अपन ने 5-10 वीडियो कोई दूसरे भी डाले थे। तो वो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, वो कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर कीजिए, उससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप चालू नहीं क्या रखे अपन, क्या हो गया अभी यहाँ पे, क्या उड़ेंगे ना, तोड़ने की एक्टिंग करेंगे। ये बहुत भारी ट्रेजेडी होगी भैया, हमारे साथ एक मॉडल भैया थे। हाँ, वो मतलब रील लाइफ में तो इतने एक्टिव है ना, कि मतलब वो भारी एडिटर है वो, मतलब इंस्टा उनके खानदान से पूछते नहीं धंधा है उनका, इतने मैच्योर है और इतने परफेक्ट है उस चीज में। लेकिन जो रियल लाइफ है ना, उसमें नील बेटा सन्नाटा है वो, उनको कुछ नॉलेज नहीं है अपनी गाड़ी की, मतलब अपनी गाड़ी की अगर ग्रुप की गाड़ी की देते ना भैया, लिटरली सारों को पैदल चलना होता। जो लीड करता है उसी को गाड़ी की चाबी दी जाती है। फिर आपको क्यों नहीं दी उन्होंने? मैंने मांगी थी। तो क्यों नहीं दी फिर, मतलब क्या उनके पास थी? अच्छा, तो वो मतलब चाबी को भी रिवर राफ्टिंग कराने लगे थे? पता नहीं, मोबाइल के लिए उनका मोबाइल वाटर प्रूफ था 70,000 का। चाबी तो वाटर प्रूफ ही होती है? नहीं, लेकिन खो जाता है ना। अच्छा, खो गई या कोई फिश आई जो वो निकल गई? हो सकता है भैया, ऐसा भी हो सकता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? टूट जाता साथ साथ में। ये भाई क्या यही काम करता है क्या? नहीं, ये काम नहीं करता हूँ, ये अनलीगल काम है। ठीक है, जैसे एक्टिवा हो गया, इनमें ये सब अनलीगल काम होता है। यही वो मुर्गा है जिसकी वजह से अभी हर जगह लेट हो रहा है। आज मेरे को नींद आ रही थी। ये तू भाई, तू सो जा, तू ये चुपे कर, इसको छुपा लो। वो भी तो साथ में जीते रहे, वो तो राउंड भी नहीं इसकी। तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये आदमी हर जगह दुख दे रहा है, ये इसकी वजह से लद्दाख जाने की, लद्दाख ट्रिप ऐसे हर कोई नहीं कर सकता है। कोई ना कोई सिचुएशन सामने क्रिएट हो जाती है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए इस तरह से सारे प्रोडक्ट साथ में होने चाहिए। अभी ये इंसान अगर नहीं होता तो ये गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं देती। अभी इसको यहाँ से फिट उठा के टॉर्चर करके या कुछ भी करके यहाँ से ले जाना पड़ता। क्या बोलते हो राहुल जी? ले, ये भगवान है अभी हमारे लिए।
हूँ हिमालय पे। इतनी हाइट देखो यार, क्या हाइट है, वहां से आया हम इतना ऊपर। दादा तक पहुंचते पहुंचते ना आज लंका लग गई अपनी। आप यहाँ पे बचपन से रह रहे हो? नहीं इतना ऊपर इसकी हाइट क्या होगी, कम से कम कितना मीटर होगी यार? 2300 मीटर। हमारी तो फर्स्ट टाइम आए जिसमें हालत खराब हो गई यार। आप कैसे? ये देखो हालत इनकी लड़कों की। घर में एंटर होते हुए अच्छा ये क्या पहना है आपने? ये क्या पहना है? हाय करो, हैंड चेक। ये जोर से मैं भी करूंगा। किशुन, क्या नाम है आपका? नायरा? अनाया। स्वीट नेम। तो इस पहाड़ों पे जो घर होते ना कुछ इस तरीके के होते हैं। यहाँ भी सीमेंट नहीं है, इस जगह भी सीमेंट नहीं है। यहाँ थोड़ा बहुत सीमेंट लगाया हुआ, ये लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का है, ये सीमेंट के बॉक्सेस, ये कुछ इस तरीके का है पूरा रकम मकान इनका। How are you? Hi. Come. नहीं आज तो हिमाचल ने भी इतने जोरों शोरों से वेलकम किया है ना, जैसा किसी ने अभी तक नहीं किया है। चंडीगढ़ से मनाली निकले थे तो किसी को ट्रस्ट नहीं था कि लोग बाग ऐसे भी मिलेंगे, इतने अच्छे मिलेंगे। सब ऐसे फील कर रहे थे कि यार क्या फोन पे बात कर रहे हैं, क्या देंगे रिस्पेक्ट। 4 दिन हो गए सर, रूम तो होटल में भी नहीं मिल रहा है। और 4 दिन से ये भाई की बात बोल, क्या बोल? 4 दिन हो गए होटलों में रह रहे पर ऐसा रूम होटल में भी नहीं मिला। हाँ, तो ये होती है दोस्ती, कॉन्टेक्ट। सच बताऊँ तो मेरे को भी नहीं लगा था ऐसा कोई शेम फील नहीं करे एक दूसरे के ऊपर। मैं भी ऐसे सोच रहा था कि इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग बॉस, अभी नींद खुली है, बेबस सुबह का नजारा। नहा लिया लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्यों ना आया, पानी बहुत ठंडा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो कैसा रहा अब तक का आपका सफर? अब तक का सब मजे। तो अभी कहाँ रुके हुए आप? पहले थोड़ा सा चंडीगढ़ में परेशानी भी हुई थी, ठीक है। वो लाइसेंस वगैरह इधर उधर घूमते फिर उसका एक ब्लॉग ऑलरेडी पहले आ चुका है, ठीक है, आपने देखा ही होगा। फिर हमारे ग्रुप मेरे भी उस्ताद है, ठीक है, उनका एक भैया से मतलब कॉन्टेक्ट हुआ दादा का। वो दादा रहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, अलंग वैली के अंदर रोहान गाँव। हलन। तो वो दादा को बुलाता हूँ मैं, आप 2 मिनट रुकिए। हेलो दादा। हाय, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। बुधी तो सर इनसे कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद आपको यहाँ आने के बाद कैसा कुछ लगा था? कांटेक्ट होने के बाद पहले तो हम यहाँ पे आ रहे थे, उन्होंने तो सोचा कि यार क्या होगा, अपन नहीं देखे जा रहे कैसे होगा। तो एक भाई हमारा एक राइडर एक ग्रुप था वो पूरा कपल वाला, वो वहीं रुक गया, ठीक है, जाओ आप मैं नहीं चल रहा हूँ अंदर, ठीक है। फिर जब यहाँ आया मैं यहाँ पर घर पे रहा तो 1% ऐसा नहीं लगा किसी और घर पर आज रुके हुए, ठीक है। और आते ही घंटे को बोल दिया मेरे को यहीं रख लो, वापस नहीं जाना है बोला था दादा। सही है। तो आप यहाँ के किसी खास एक स्पेशल आदमी से भी मिले थे? एक स्पेशल पर्सन था, वो छोटा बच्चा था शायद, उनका नाम वो दादा की गुड़िया है, अच्छा नाम है उसका, अच्छा अच्छा वो चेतान है, हल्के हल्के वीडियो उसके भी आएंगे। तो दादा कैसा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों से मिलके? एकदम बढ़िया। कैसा क्या फील हुआ? आप दादा इसी एरिया में एक कॉटेज बनाने वाले हैं, अच्छा बहुत जल्द,
दादा का टूर ट्रैवल्स का मतलब वो बिजनेस है। दादा किस नाम से है अपना? दादा ये मैं दासोलो एक्सपेडिशन के कंपनी के नाम से मतलब एडवेंचर कंपनी रन कर रहा हूँ। कैंपेन वगैरह करवाते हैं? हमारा क्या रहता है कि ट्रैकिंग, एडवेंचर कैंप्स, एक्सपेडिशन, साइकिलिंग, बाइकिंग वगैरह सब करवाते हैं। ले लद्दाख में स्पीति तेज हाँ दादा अब बताइए। एक परसेंट ऐसा फील नहीं आया कि मतलब मैं कहीं और आ गया हूँ या नए आदमी हूँ, ऐसा लग रहा है मतलब अपने बड़े भैया ही हैं और अपने पहले से यहीं रहते हैं। और घर घर के वीडियो मैंने आपको बताया अच्छे से हम स्टार होटल में फेल हो जाती है। स्पेशल क्या ऐसा कुछ लगा सर? स्पेशल ऐसा लगा जैसे मैं अभी मेरा प्लान ले रहा था घर बनाने का, तो उसमें मैं मतलब सारा इंटीरियर मतलब यूरोपियन रखने वाला था, लेकिन दादा से मिलने के बाद मैंने सारा दादा के घर पे ही रखा है, सब कैंसिल कर दिया है। मतलब आपको वुडन वर्क जो था इसमें तो बहुत ही अल्टीमेट था, वुडन वर्क है, फिर वो मतलब देख लो आपकी नीचे फ्लोरिंग पे वो खाना खाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, कालीन, एक तरह से सुल्तक बोलते हैं उसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, तो वो चीज और ज्यादा खास लगी आपको, थोड़े अट्रैक्टिव लगी। हो रहा था कि जिस कमरे में जाओ बस उस कमरे से बाहर नहीं आना, मतलब इतना अच्छा है सब कुछ। और फूड वगैरह कैसे क्या रहा खाने का? फूड तो एक नंबर है, अभी तक भिलवाड़ा से, भिलवाड़ा राजस्थान से आया तो वहाँ से अभी अपन हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ तक आ गए दादा घर पे, लेकिन अभी तक ऐसा खाना नहीं मिला। खाने में क्या था? देखो भैया मैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, तो मेरे लिए तो मेरा खाना था, ठीक है, और मेरे चार फ्रेंड वो वेजिटेरियन है तो उनके लिए वेज खाना बना था। तो वेज में क्या था? वेज खाना नॉन वेजिटेरियन से भी ज्यादा अच्छा दिखने में था। अच्छा हाँ, लेकिन टेस्ट हमारे नॉन वेज के ज्यादा अच्छा था। आपका नहीं पता मेरे को यार आप लोगों ने कैसे क्या खाया? नहीं हमने रेड राइस खाए थे भैया, बहुत ही अल्टीमेट थे वो, बहुत ही हैवी फूड था उसे अपने यहाँ जैसा लाइट फूड होता है। दादा ने एक चीज और की है कि वो जो मेरे फ्रेंड थे, कुछ फ्रेंड्स थोड़ी सी हल्की हल्की ड्रिंक करते हैं और कुछ बिल्कुल ही नहीं करते, नहीं करते, लेकिन दादा ने थोड़ा सा कन्विंस किया और जो नहीं करते उन्होंने भी एक एक शॉट ले लिया, ठीक है, तो तीन फ्रेंड्स को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक फ्रेंड्स है जो इंस्टा मॉडल है एक तरह का, कभी भी देख लो उसको, तो वो अभी बीमार हो चुका है, उसको बुखार आ रही है, थोड़ी हैवी पड़ गई उसके लिए। आपका वो स्पेशल पर्सन मेरे हिसाब से आ चुका है। अनाया कम हियर, ये है वो स्पेशल पर्सन। हेलो नाया, हाय करो, गुड मॉर्निंग। ये एकदम मस्त मौला खिलाड़ी है, ये इनको किसी की कोई फिक्र नहीं है किसी की। और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे डराने के लिए करते हैं जैसे कि इनको वोमिटिंग हो रही हो। अब ये देखिए ये इनके बीच बैठे हुए अपन, और अभी हम जहाँ हैं वो हलंग वैली है, हलंग वैली के अंदर रोहन विलेज, और उस ये क्या था, बस जो इसकी हिल है टॉप शिखर है उससे केवल अपन 300 मीटर नीचे है, बाकी अपन टॉप पे बैठे हुए हैं अभी। और आज की जो मतलब ये जो कल की जो नाइट थी लाइफ टाइम याद रहेगी, बहुत ही मतलब एडवेंचर क्या होता है वो कल रात को मालूम चला था, रियल में मालूम चला था। थैंक यू दादा इतना सारा सम्मान देने के लिए हमें, और सबसे स्पेशल थैंक्स मैं भाभी को बोलना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया, हमारा बहुत ख्याल रखा घर की तरह, उसके लिए दिल से थैंक यू आपको। तो गाइस अभी यहाँ से हमारा निकलने का टाइम हो चुका है, और अभी जैसे विदाई सेरेमनी चल रही है यहाँ पे, फोटो शूट वगैरह हो रहा है फैमिली के साथ, और अभी फोटो वगैरह शूट करके ये हमारा बैग पैक है सब सारा कुछ, और अभी यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूँ।